हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ रमेश और आप देख रहे हो मेरे चैनल डबल ई रमेश कुमार। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये सीड जर्मिनेटर है, और सीड जर्मिनेटर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये कंट्रोलर है, यानी कि सीड जर्मिनेटर का ये जो आप देख रहे हो ये फुल्ली डिजिटल कंट्रोलर है, जो कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये साइड में जो कि 64 जो है ये ह्यूमिडिटी का है, और ये 28 जो कि है ये टेम्परेचर का है। और इसमें बहुत सारा पैरामीटर भी सेटिंग करते हैं, और इसके सेटिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये जो कि हमारा लाइट कंट्रोलर है, जो कि टाइम के हिसाब से चलता है, यानी कि टाइम के हिसाब से ये जो हमारा लाइट कंट्रोलर कंट्रोल किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी बहुत सारा स्विच और कंट्रोलर, और देखिए फ्रेंड्स ये रोटरी स्विच तीनों लगा हुआ है, जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कूलिंग के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक थर्मास्टाट लगा हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको जो कि ये जो कंट्रोलर आप देख रहे हो ये लाइट कंट्रोलर में जितने सारे पैरामीटर किस तरह सेट करते हैं, जो कि ऑटोमेटिक हमारा लाइट देखिए फ्रेंड्स, यह एक साइड में तीन लाइट इसमें लगा हुआ है, और इसमें दो लाइट देखिए अभी ऑफ है और एक लाइट अभी चालू है। और इसका सेटिंग मैं अभी करके दिखाऊंगा। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये राइट साइड में भी दो लाइट ऑफ है और एक लाइट जो कि यहाँ पर ऑन है, और इसका सेटिंग मैं टोटल अभी आपको करके दिखाऊंगा। और करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर मेरा चैनल अभी फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सीड जर्मिनेटर का कंट्रोल पैनल का देखिए फ्रेंड्स, जो कि इन साइड व्यू में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप बहुत सारे कनेक्शन आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा ये जो कनेक्शन है ये बहुत सिंपल है। मैं आपको और किसी वीडियो में मैं आपको पूरा ड्राइंग करके मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और देखिए, ये जो आप व्हाइट कलर का वायर आप देख रहे हो ये लाइट का वायर है, और इसी तरह राइट साइड में जो लगा हुआ लाइट का ये कनेक्शन है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी जो कि मैं आपको कंट्रोलर के बारे में बता रहा था, ये लाइट कंट्रोलर है और कंट्रोलर का कनेक्शन बहुत सिंपल है, मैं आपको और किसी वीडियो में बताऊंगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर का कनेक्शन है, और ये कंट्रोलर है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसके फ्रंट पे दिखा देता हूँ, देखिए अभी मैं आपको इसका सेटिंग करके दिखाऊंगा। देखिए, ये जो हमारा लाइट कंट्रोलर है और ये टाइम के हिसाब से चलता है, यानी कि जितना टाइम चाहते हो आप जो कि हमारा लाइट ऑन करना है, यानी कि इसी पर्टिकुलर लाइट में अगर आपको ऑन करना है तो उसी का टाइम आपको डालना है और ऑफ टाइम डालना पड़ता है, यानी कि उसी टाइम के अंदर ये जो हमारा लाइट जो है जल ऑटोमेटिक स्टार्ट होके और ऑफ भी हो जाता है। और किस तरह सेटिंग करते हैं देखिए फ्रेंड्स, ये सेट बटन को प्रेस करके 5 सेकंड के लिए रखना पड़ता है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी पासकोड इसमें मांग रहा है, आपको इसमें 100 डालना है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, जितने बार इसमें सेट बटन आप दबा के रखोगे, यानी कि 5 सेकंड के लिए और अलग अलग पासकोड के लिए अलग अलग पैरामीटर भी ओपन होता है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जो कि ये लाइट का जो कि हम चालू करेंगे, यानी कि लाइट का जो कि टाइम हम सेट करेंगे, यानी कि कितना टाइम से और कितना टाइम तक हम ये लाइट को ऑन करना चाहते हैं। और अभी के लिए फ्रेंड्स देखिए, ये 100 पासकोड आपको डालना है और उसके बाद ये सेट बटन दबाना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रिले 1 ऑन टाइम, यानी कि इसमें 4 रिले का टोटल इसमें कनेक्शन दिया हुआ है, यानी कि 4 रिले ये कंट्रोलर में है। और ये रिले 1 जो कि ऑन टाइम है, यानी कि रिले 1 में जो भी लाइट इसमें लगा हुआ है और ये लाइट का जो कि ऑन टाइम डालना है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी 8:08 है और अभी हमारा प्रेजेंट टाइम जो है 6:57। और अभी चलिए, अभी ये जो टाइम को मैं कम कर देता हूँ, यानी कि 6 बजे तक, शाम का 6 बजे मैं इसमें डाल देता हूँ, और ये 8 मिनट जो है अभी इसे भी मैं 0:00 कर देता हूँ। चलिए, अभी ये जो डाउन बटन प्रेस करके मैं इसे डाउन एरो बटन प्रेस करके इसे मैं 0 सेट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो कि हमारा 6 बजे का टाइम इस पर सेट हो गया है, और अभी हमें इसे जो कि सेट बटन हमें प्रेस करना है। चलिए, अभी सेट बटन एक बार आपको प्रेस कर देनी है, और उसके बाद देखिए रिले 1 का ऑफ टाइम, यानी कि ये चालू टाइम हमने डाल दिया है और ऑफ टाइम हमें डालना है, यानी कि कितने टाइम में हमारा ये जो कि कंट्रोलर में जो भी इसमें लोड या फिर जो भी लाइट ही इसमें लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना चाहिए, हमें इसका टाइम भी डालना है। और चलिए फ्रेंड्स, अभी देखिए, अभी इसमें जो कि 9:00 देखिए, जो कि 20 मिनट मैंने सेट कर दिया हूँ, और उसके बाद सेट बटन प्रेस कर देनी है। और उसके बाद देखिए सेम प्रोसेस, जो कि रिले 2 का ऑन टाइम इसमें डालना है, यानी कि पर्टिकुलर आप इसमें जो कि 4 रिले का जो कि चैनल है, और 4 रिले का चैनल पे आप अलग अलग टाइम इसमें डाल सकते हो, यानी कि उसी पर्टिकुलर टाइम में ये जो कि रिले 1 रिले 2 ये जो कि ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी इसे जो कि 6:00 मैंने डाल दिया हूँ, 6:00 ये जो कि 10 मिनट है, और अभी इसे 6:00 मैं कर देता हूँ, अभी इसे कम कर देता हूँ, 0:00 कर देता हूँ, यानी कि अभी हमारा
6 बजे का टाइम इसमें सेट कर दिया हूँ। और रिले 2 का ऑफ टाइम डालना है, और ऑफ टाइम देखिए फ्रेंड्स अभी जो कि 20 यानी कि 8:20 अभी सेट हुआ है। अब इसे 9:00 देखिए, जो कि मैं 20 मिनट अभी इसे सेट कर देता हूँ। और चलिए दोबारा इसे जो कि सेट बटन में प्रेस कर देता हूँ। और अभी देखिए फ्रेंड्स जो कि रिले 3 का ऑन टाइम इसमें आ गया है, और रिले 3 का भी ऑन टाइम इसमें डालना है। और अभी देखिए फ्रेंड्स अभी जो कि हमारा 6:59 हुआ है। और अभी देखिए ये जो हमारा लाइट जो है, ये एक लाइट जो जल रहा था अभी इसे सेट करने के बाद ये टोटल लाइट हमारा चालू हो जाएगा। और चलिए ये जो हमारे रिले 3 का जो टाइम है इसे जो कि इस तरह सेट रहने देता हूँ, यानी कि 6:11 पे सेट रहने देता हूँ। और अभी देखिए इसका जो कि रिले 3 का ऑफ टाइम हमें इसे डालना है, ऑफ टाइम भी हमें सेम टू सेम रहने देते हैं। और उसके बाद ये एंटर बटन जो है, एंटर बटन दबाने पे देखिए फ्रेंड जो कि हमारा लाइट जो है ये ग्लो होना स्टार्ट हो गया। देखिए ये साइड हमारी जो कि 3 लाइट चालू हो गया है, और इसी साइड देखिए फ्रेंड्स अभी इस साइड जो कि 2 लाइट चालू हुआ है और 1 लाइट अभी ऑफ है। और 1 लाइट जब इसमें जो कि ऑफ है, चलिए अभी इसका स्विच मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आप स्विच देख रहे हो, ये स्विच से देखिए फ्रेंड्स ये मैनुअली ये लाइट को भी आप ऑफ ऑन कर सकते हो। देखिए जो कि हमारा 6 लाइट इसमें जो कि चालू हो गया है, और ये 6 लाइट का 6 स्विच इसमें जो कि दिया हुआ है, और 6 स्विच के ऊपर देखिए फ्रेंड जो कि एक एक इंडिकेटर भी इसमें लगा हुआ है, यानी कि मैनुअल ये स्विच आप अप डाउन करके ये जो लाइट है आप चालू बंद कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ ये जो सीट जर्मिनेटर है, और सीट जर्मिनेटर का टोटल मैन्युफैक्चरिंग और टोटल पैनल कनेक्शन किस तरह होता है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अगर मेरा चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि हमारा इंडस्ट्रियल ओवन होता है और मफल फर्नेस है, और ये सब फर्नेस मफल फर्नेस ओवन जो कि किस तरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल जो कि मशीन किस तरह टेस्टिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन की कैलिब्रेशन की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ, और कुछ वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोग को लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो आप देख सकते हैं। और अभी देखिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो पासकोड जो कि मैं आपको दिखा रहा था अलग अलग पासकोड के लिए, जो कि अलग अलग पैरामीटर किस तरह ओपन होता है। देखिए सबसे पहले ये जो कि हमारा आप देख पा रहे होंगे ये जो पासकोड जो कि मैंने आपको सेट करके दिखा रहा था रिले 1, 2, 3 और 4 के रिले के लिए है। और अभी देखिए फ्रेंड्स अभी इसका जो कि पासकोड के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जो कि 1000 पासकोड इसमें है, और ये 1000 पासकोड में इसमें जो कि देखिए की फॉर 10 सेकेंड प्रेस करने पर देखिए ये पैरामीटर ओपन हो जाता है, जो कि 1 to 4 mA और फिर 4 to 20 mA इसका आउटपुट देने के लिए है। और इसमें देखिए फ्रेंड्स चलिए अभी मैं आपको ये जो पासकोड ओपन करके यानी कि मैं आपको ये पैरामीटर भी दिखा देता हूँ। और चलिए फ्रेंड्स अभी सबसे पहले देखिए आपको ये पैनल पे देखिए जो कि जो हमारा लाइट कंट्रोलर है, और ये लाइट कंट्रोलर में ये जो सेट बटन जो है सेट बटन को आपको प्रेस करके रखना है। और चलिए अभी इसका पैरामीटर किस तरह सेटिंग करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको बता रहा था ये जो हमारा सेट बटन है, सेट बटन को 10 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है। और चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको देखिए ये जो हमारा जो कि सेट बटन है इसे प्रेस करके रखना है 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद देखिए ये जो पासकोड इसमें ओपन हो गया है। अभी इसमें आपको जो कि 1000 डालना है, चलिए फ्रेंड्स अभी इसमें 1000 डाल लेता हूँ, और 1000 डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा पॉज करने के बाद देखिए जो कि हमारा 99.8 है, अभी इसे 1000 डाल दिया हूँ, और उसके बाद सेट बटन प्रेस करना है। और सेट बटन पे देखिए ये जो हमारा आउटपुट जो कि है, ये नंबर ऑफ आउटपुट देखिए 3 रिले के लिए है, और देखिए इसमें आप जो कि 4 रिले तक सेटिंग कर सकते हो। और ये बटन दबाने पे देखिए जो कि 4 to 20 mA जो कि हमारे डिजिटल कंट्रोलर वगैरह होता है इसके आउटपुट की सप्लाई के लिए है, आप इसे सेटिंग भी कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो जब भी पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।